Morning all of you, myself Karishma Singh from Radiant Public School Baksar. Today I am going to teach computer for class 7th. पिछले क्लास में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, जिसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है एमएस डॉस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेसन में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड है बूटिंग और टाइप्स ऑफ बूटिंग। थर्ड है इंट्रोडक्शन टू एम एस डॉस, फीचर्स ऑफ एम एस डॉस, एम एस डॉस फाइल्स, वर्किंग विथ एम एस डॉस। फोर्थ है एम एस डॉस कमांड, इंटरनल डॉस कमांड, एक्सटर्नल डॉस कमांड। और लास्ट है क्रिएटिंग फाइल्स इन एम एस डॉस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द वेरियस रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक आंतरिक प्रोग्रामों का समूह है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग रिसोर्सों को और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग क्रियाकलापों को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑफ ए कंप्यूटर। इसका मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस और इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। इट मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम यूजर फ्रेंडली। यह कंप्यूटर सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। इट इज़ बिलीव दैट वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1950 बाई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या IBM। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार IBM टीम के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा 1950 के दशक में इसे डेवलप किया गया था। और नेक्स्ट टॉपिक इज नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।